पद्मालया पद्मकरा पद्मपत्र निभेक्षणा वंदे पद्ममुखी देवी पद्मनाभ प्रियामहं पद्मालया। मिस्टर कौन हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। एक मुसाफिर। कहां जा रहे हो? बेलापुर। काम की तलाश में नया हूं, रास्ता नहीं मालूम। बेलापुर का रास्ता उस तरफ है। बेलापुर का मुझसे पूछते हो और चल देते हो रामनगर की तरफ, ऐसा क्यों? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। इरादा बदल दिया है? और इरादा क्यों बदला है ये मैं तुमसे यहां नहीं पूछूंगा, पुलिस स्टेशन में पूछूंगा। पुलिस स्टेशन किस लिए? इसलिए कि पुलिस को जिस पे शक होता है वो उसे गिरफ्तार कर लेती है, और मैं तुम्हें शक की बिना पे गिरफ्तार करता हूं। मैंने किया क्या है जो आप मुझ पे शक कर रहे हैं? इसका जवाब मैं तुम्हें यहां नहीं, पुलिस स्टेशन में दूंगा। चलो बैठो जीप में। ये आपकी जबरदस्ती है साहब, मैं जीप में नहीं बैठूंगा। अगर तुम जीप में नहीं बैठोगे तो मैं तुम्हें जीप से बांध कर घसीटता हुआ ले जाऊंगा। हाँ साहब। ये क्या है रे? चाकू है। रामपुरी। नाम तो मुझे भी मालूम बेटे। रामपुरी, कोल्हापुरी, हरपुरी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन ये तुम्हारे पास क्यों है? मुझे शिकार का शौक है, इसलिए इसे हमेशा अपने पास रखता हूं। अच्छा अच्छा, आप मुसाफिर हैं, रास्ता आपको मालूम नहीं है, काम करने को नहीं है, और ऊपर से शिकार का शौक रखते हैं। वाह, ज्योग्राफिया बहुत अच्छा है, हम खुश हुए। चलो बैठो जी, चलो। यहाँ नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उधर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कोई नया मुलजिम लगता है। हाँ, कहता है शिकारी है, रामपुरी चाकू लिए घूमता है। रामपुरी चाकू से शिकार करेगा? हाथी मारेगा या शेर? चलो उधर खड़ा हो जा। मुझे लगता है कि बंसीलाल के केस में जो आदमी फरार हो गया था, कहीं यही तो नहीं है वो? शक्ल देखिए बदमाश की, कितना भोला लगता है। लगता है कि मां की गोद से अभी अभी उठकर आया है। भोला है या मुजरिम, इस बात का पता लगाओ। विजय। यस सर। ले चलो इसे। नाम क्या है तेरा? मैं तुझसे पूछ रहा हूं, नाम क्या है तेरा? अभी गूंगा है क्या? बोलता क्यों नहीं? जिद का जहर भरा हुआ है कमीने में, अभी निकालता हूं। अबे हाथ छोड़, हाथ छोड़, वरना हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। छोड़। तो तू हनुमान का भगत है। अभी मैं तेरी भक्ति निकालता हूं। मैं तुझसे एक बार फिर पूछता हूं, तेरा क्या नाम है? अच्छी बात है। इंस्पेक्टर, इसकी उंगलियों के निशान लो। हाथ कागज पर रख जिद्दी, सीधी तरह रख, नहीं उंगलियां तोड़कर निशान लेने पड़ेंगे। रख। अरे भाई क्या हुआ? दिमाग इसका अब तक ठिकाने पे नहीं आया? नो सर, न मुंह खोल रहा है, न उंगलियों के निशान लेने दे रहा है। आपकी कड़ाई का पका हुआ पुराना मुजरिम है ये। जब तू बेलापुर का पता पूछकर रामनगर की तरफ चल पड़ा था, उसी वक्त तेरे कदमों ने तेरी गुनाहगारी का सबूत दे दिया था। हर घड़ी रंग बदलने वाले को गिरगिट और हर मिनट इरादा बदलने वाले को गुनाहगार कहते हैं। कौन है तू? चाकू लिए क्यों घूम रहा था? किसके जिंदगी की तलाश है तुझे? जब तक तेरा मुंह बंद रहेगा तो इस हवालात में बंद रहेगा। पुलिस से जबरदस्ती की दुश्मनी मोल मत लो। बता, तू बंसीलाल का खून करना चाहता था? अबे बोलता क्यों नहीं? Why don't you speak the truth? देखो, मेरे सब्र और शराफत का और ज्यादा इम्तिहान मत लो, समझ गए? आखिरी बार पूछ रहा हूं, Tell me the truth. Who the hell are you? कौन है तू? I'm giving you the last chance, boy. Nahin? Wish you all the best, my boy. God bless you. ये मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। बोल, कौन है तू? भागना चाहता है? मैं तेरी हड्डी मसली तोड़ दूंगा। बोल। ये बोलेगा कैसे हुजूर? आपने तो इसका गला दबा के रखा हुआ है। बोल। लगता है ये जख्म किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि पुलिस की गोली से हुआ है। ठहरिए, आपको शायद मेरी बात बुरी लगी या आप मुझे अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं इसलिए यहाँ से जाना चाहते हैं। घबराइए नहीं, मैं किसी सरकारी विभाग से संबंध नहीं रखती, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। सुनिए, इस वक्त आपको 104 बुखार है, ऐसी हालत में आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। आराम कीजिए आप। जोरदार बारिश की वजह से लाइट चली गई थी, अब आ गई है। अगर आपको जरूरत ना हो तो लाइट और टीवी बंद कर दीजिए। दीदी, अरे हुआ यू, ये सुनीता दीदी का घर है ना? आप कौन है? ओ, दीदी के मेहमान हैं। कौन से इलाके के रहने वाले हैं आप? पंजाब के हैं, यूपी के हैं, एमपी के हैं, सीपी के हैं या खाली पी के? अरे ये क्या, कुछ बोलते ही नहीं। दीदी ने बात करने को मना किया है क्या? ठहरो, मैं भी पूछती हूँ। दीदी, अरे ये कौन साहब हैं? इनसे मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। ये मेरे वो ओ मंगेतर हैं। अरे वाह, तब तो ये मेरे जीजा जी हुए। फिर तो मैं इन्हें खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं दीदी के पड़ोस में रहती हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। डिंग डोंग, डिंग डोंग। जीजा जी की बाह में पट्टी कैसी? रात आप दोनों में झगड़ा हुआ था क्या? नहीं नहीं, कल रात मोटर बाइक में आ रहे थे ना, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? अरे बाबा, बड़े तकदीर वाले हैं आप। जो लोग एक्सीडेंट करते हैं, खून करते हैं, डाके डालते हैं, मुझे इनसे मिलने में बड़ा मजा आता है। वैसे आपकी कोई हड्डी वड्डी टूटी क्या, हाथ की या पैर की? रजनी, गुस्सा क्यों होती हो दीदी? जिंदगी एक्सीडेंट से भरपूर होनी चाहिए। जन्म लेना खुद एक एक्सीडेंट, शादी दूसरा एक्सीडेंट, बच्चा होना तीसरा एक्सीडेंट, मौत आखिरी एक्सीडेंट। इस दुनिया का लाइसेंस कैंसिल और दूसरी दुनिया का मीटर चालू। ओहो, बड़बड़ बंद करो। आना कैसे हुआ? जैसे हमेशा आती हूँ। अरे हाँ, वो डॉक्टर मिस खटखटे है ना, उन्होंने लेटर दिया है, वो आज हॉस्पिटल नहीं आएंगी। ठीक है ठीक है, तुम जाओ। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय जीजा जी। डिंग डोंग, डिंग डोंग। ये लड़की कौन है डॉक्टर? अरे ये क्या, जीजा जी तो तुम्हारे मंगेतर है, फिर तुम्हें डॉक्टर कह के क्यों पुकारा? अरे मजाक मजाक में कुछ भी कह देते हैं, कभी डॉक्टर कभी कंपाउंडर। अच्छा तो जीजा जी मजाक भी करते हैं? मुझे मजाकी लोग से मजाक करने में बड़ा मजा आता है। मैं माँ से पूछकर अभी वापस आती हूँ, फिर जीजा जी से बैठकर खूब मजाक करूंगी। अच्छा बाय दीदी, सी यू। बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ कहना चाहती थी, वो कुछ और समझ बैठी और मैंने जानबूझकर उसे टोका भी नहीं। 24 घंटे दुनिया भर की जासूसी नावलें पढ़ती रहती है। अगर मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार बताती तो वो कभी नहीं मानती, सवाल पर सवाल करके दिमाग चाट जाती। मगर है प्यारी बच्ची। मुझे देर हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अगर भूख लगे तो वो सूप पी लेना और आधा घंटे के बाद 2 गोलियां खा लेना पेन किलिंग के लिए, और अंदर से बंद करके सो जाना आराम से। मैं शाम तक आ जाऊंगी। सर, हमने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कितने शर्म की बात है, वो अकेला तुम सबों की पिटाई करके चला गया और तुम लोग इतने सारे होने के बावजूद उसे पकड़ नहीं सके। लेकिन हमें किसी भी हालत में उसे पकड़ना है जिंदा। सर एक आइडिया है। बोलो। बिलासपुर में एक जौहरी के यहाँ चोरी हुई थी तो हमने एक चित्रकार से उस चोर की तस्वीर बनवाकर उसे गिरफ्तार किया था। अगर उसी तरह इसकी भी तस्वीर बनवाकर अखबारों में छपवा दी जाए तो? गुड आइडिया। यू आर अंडर अरेस्ट। पसीने से तरबतर हो गए हो? बुखार उतर गया? आप तो शाम को आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? पता नहीं, आज काम में मन नहीं लग रहा था और पेशेंट्स भी कम थे इसलिए चली आई। हाय जीजा जी, हाय दीदी। जीजा जी, मैं तुम्हारी टाइम पास के लिए नॉवेल आई हूँ। आपने ये नॉवेल पढ़ी है? कहाँ से पढ़ी होगी? कल ही तो मार्केट में छपकर आई है, ये बड़ी ऊट पटांग से लाई है। और इसके दूसरे चैप्टर में रवि और राधा दोनों बाथरूम में एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के बॉलरूम डांस करते हैं और उसके बाद तो हद कर दी, दोनों किचन में आकर एक दूसरे के पपिया लेते हैं। दीदी, जीजा जी के ठीक हो जाने पर आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी होने के बाद हनीमून मनाने कहाँ जाएंगे और कितने दिनों के लिए जाएंगे? रजनी कितनी बकबक करती है, बच्चे इतनी बातें नहीं करते हैं, बुरा लगता है। गए काम से। माँ और भैया भी यही कहते हैं, तू बच्ची है। छोड़ो। जीजा जी, ये लीजिए, आप कल तक इसे खत्म कर लेना, मैं चलती हूँ। तब तक दीदी आप दोनों भी रवि और राधा की तरह डिंग डोंग डिंग डोंग। रजनी क्या कर रही है? ओफो, भविष्य के बारे में सोच रही हूँ माँ। जवानी का खजाना है, रोमांस का जमाना है। जवानी का खजाना है, रोमांस का जमाना है। यार का दीदार कर ले सनम। यार की उम्र है और प्यार का मौसम। रोमांस 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 रोमांस। जवानी का खजाना है, रोमांस का जमाना है। जवानी जो आग लगाए तो आपको ठंडा कैसे करे? बैठेंगे तेरी जुल्फों की छाँव में, शोलों को ठंडा ऐसे करेंगे। मेरी जवानी जो आग लगाए तो आग को ठंडा कैसे करेंगे। बैठेंगे तेरी जुल्फों की छाँव में, शोलों को ठंडा ऐसे करेंगे। यार का दीदार कर, यार का दीदार कर मेरे सनम। प्यार की उम्र है और प्यार का मौसम। रोमांस 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 जवानी का खजाना है। रोमांस का जमाना है। जितना मैं देखूं उतना ही तरसूं, प्यास नजर की कैसे बुझेगी। तुमको पिलाऊंगी प्यार का अमृत, प्यास तुम्हारी कैसे बुझेगी। जितना मैं देखूं उतना ही तरसूं, प्यास नजर की कैसे बुझेगी। तुमको पिलाऊंगी प्यार का अमृत, प्यास तुम्हारी कैसे बुझेगी। यार का दीदार कर, यार का दीदार कर सनम। प्यार की उम्र है और प्यार का मौसम। रोमांस 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 जवानी का खजाना है। रोमांस का जमाना है। यार का दीदार कर, यार का दीदार कर मेरे सनम। प्यार की उम्र है और प्यार का मौसम। रोमांस 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? उस मुजरिम की तस्वीर अखबार में छापने के लिए दी थी ना, वो छप गई। ये देखिए। दैट्स गुड, यू कैन गो। ओके सर। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। भैया, वो जो मैंने प्रेम पुजारी उपन्यास दी थी, पढ़ ली क्या? 2 ही पन्ने पढ़े, बहुत बोरिंग थी, इसलिए बंद कर दी। क्या वो उपन्यास पढ़ते वक्त तुम्हें बोर करने लगी थी? और नहीं तो क्या। अच्छा हुआ ना जान बच गई। तुम खाकी वर्दी वाले होते ही ऐसे हो, बस 24 घंटे मुजरिमों के पीछे भागते रहते हो, मगर ये नहीं जानते कि दुनिया में प्यार नाम की भी कोई चीज है। लेकिन ये सब बातें तुमसे करने में क्या फायदा, ये सब बातें तो होने वाले चीजा जी से करने में मजा आती है। तुम्हें पता है वो एक दिन में 1 उपन्यास पढ़ लेते हैं। ये अपने जीजा जी का बार बार जिक्र कर रही छोकरी, जीजा जी का नाम अता पता बताएगी? तुम नहीं जानते उन्हें। ये फोटो किसकी है? तुम नहीं जानते इसे? ऐसा कौन सा आदमी जिसे मैं नहीं जानती, बताओ ना। खामोश। बेटा खाना खा लो। जानते हो आज मैंने तुम दोनों की मनपसंद चीज बनाई है, कश्मीरी पुलाव। वाओ, कश्मीरी पुलाव, माय फेवरेट डिश। भैया जल्दी उठो। सुनिए जी, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लाई हूँ, पहन लीजिए। पहले आप ये बताइए कि मैं आपके इन आसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा, तो फिर मैं आपके ये तोहफा कबूल कर। छुपाओ मत, मैं वो तस्वीर पहले ही देख चुकी हूँ। आप कौन हैं? पुलिस आपका पीछा क्यों कर रही है? आप चोर हैं या कातिल हैं? मैंने ये सब अब तक कुछ नहीं पूछा। मैं इस मकान में अकेली रहने वाली औरत जात, जिसका कोई नहीं है, उसने तुम्हें सहारा दिया, पनाह दी। इसकी वजह जानते हो क्यों? तुम जिंदगी और मौत के तूफान में थपेड़े खा रहे थे, और दूसरी तरफ पुलिस मौत का जाल लेकर तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारी पीछे लगी थी। न जाने मुझे क्यों तुम पर तरस आ गया। हो सकता है शायद जिसकी अपनी जिंदगी को रहम की छांव न मिली हो, उसे दूसरों पर रहम आ जाता है। आप मेरे लिए अनजाने हैं, फिर भी मैंने आप पर विश्वास किया। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो बताइए आप कौन हैं, ये सब क्या है? अगर नहीं बताना चाहते हैं तो मजबूर नहीं करूंगी। सिर्फ अफसोस रहेगा जिंदगी भर कि मैंने एक खूनी, एक कातिल, एक मुजरिम को अपने घर में पनाह देकर जुर्म किया है। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। ठहरिए, आपने मुझे मौत के मुंह से बचाया, मुझे नई जिंदगी दी, नहीं तो शायद गोली का जहर मेरे शरीर में फैल जाता और मैं जिंदा न बचता। मैं आपका और आपकी मेहरबानियों का अपमान नहीं करना चाहता। मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। मैं भी कभी आपकी तरह शरीफ इंसान था। शहर से 10 मील की दूरी पर रामनगर गांव में मेरा घर था। शहर के कॉलेज में मैं बीए फाइनल में पढ़ रहा था। चपल तेरा रंग सर्वांग सुंदरी, कोमल मधुर चतुर चपल तेरा रंग सर्वांग सुंदरी। चतुर चपल तेरा रंग सर्वांग सुंदरी। चतुर चपल तेरा रंग सर्वांग सुंदरी। जब तप किए तब मिले दर्शनम। कोमल मधुर चतुर चपल तेरा अंग सर्वांग सुंदरी। मधुर चतुर चपल तेरा रंग सर्वांग सुंदरी। गुड मॉर्निंग सर। ओ आओ आओ सूरज, एग्जाम तो खत्म हो गए, अब क्या इरादा है? छुट्टियां इसलिए गांव जाऊंगा सर, जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बेटा सूरज, एक प्रिंसिपल एक उस्ताद होने के नाते मेरी तमन्ना है कि मेरे विद्यार्थी देश की सेवा करें, देश की तरक्की में उसका हाथ बटाएं। तुम इस कॉलेज के बेहतरीन स्टूडेंट हो, मैं चाहता हूं कि तुम IAS का एग्जाम पास करके IAS ऑफिसर बनो और देश की खूब सेवा करो। आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर बनूंगा सर, देश की सेवा जरूर करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाय। अरे तुम कब आई? जब प्रिंसिपल साहब तुम्हारी तारीफें करके तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर बिठा रहे थे, मैं करीब उसी वक्त आई। सुनिए, कल के होने वाले IAS साहब, इतनी ऊंचाई पर जाकर आप हम नीचे वालों को कहीं भूल तो नहीं जाएंगे? डोंट बी सिली। अरे बाबा, सिल्ली विल्ली की बात नहीं, ऊपर वालों को नीचे वाले जरा कम दिखाई देते हैं, इसीलिए अभी से तुम्हें मस्का लगाकर तुम्हारी दिल में अपनी जगह परमानेंट कर रही हूँ। चलो गांव चलते हैं, नई गाड़ी हाजिर है। जी नहीं, मैं बेकार हूँ, मैं कार में नहीं जाऊँगा। तो क्या शहर से गांव तक पैदल चलोगे? क्यों, ट्रेन में जाऊँगा भाई। ट्रेन में? हाँ। टिकट बुक कर लिया है क्या? और नहीं तो क्या। ये देखो। बताओ बताओ। अरे अरे ये क्या कर रही हो? टिकट फाड़ दिया। अरे टिकट फाड़ दिया, लेकिन मैं गाँव कैसे जाऊँगा? मेरी कार में। तुम्हारी कार में? अरे बाबा, फ्री थोड़ी ले जा रही हूँ, जब तुम्हें पहली तनख्वाह मिलेगी ना तब किराया दे देना। अरे चलो जी। सूरज, एक सवाल पूछूं? बिल्कुल नहीं, इम्तिहानों के सवालों का जवाब देते देते थक गया हूँ, अब किसी भी सवाल का जवाब देने की मेरे भेजे में ताकत नहीं है। ठीक है बाबा, मत जवाब दो। लो, कोई भी एक उंगली पकड़ लो। जी नहीं, पहले उंगली पकड़ने को कहोगी, बाद में हाथ पकड़ने को कहोगी, उसके बाद न जाने क्या क्या पकड़वाओगी। मैं नहीं पकड़ता, तुम गाड़ी चलाओ। हैं? अरे गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? तुमने मेरी उंगली क्यों नहीं पकड़ी? अच्छा बाबा लाओ, पकड़ता हूँ उंगली, ये लो। माय गॉड! क्या हुआ? जो मैंने सोचा था वही हुआ। क्या? तुम सचमुच कलेक्टर बन जाओगे। दाद तेरे की, अगर तुम्हारी उंगली पकड़ने से लोग कलेक्टर बनने लगे तो कल पूरे हिंदुस्तान की जनता तुम्हारे दरवाजे पे होगी। देख लेना, एक दिन याद करोगे मेरी बात को। और एक बात सुनो, अगर तुम मेरी इस उंगली में अंगूठी पहना दो ना तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारी इस उंगली में अंगूठी पहना दूंगा तो तुम्हारा बाप मेरे गले में फांसी का फंदा पहना देगा। क्यों? तुम्हें क्या लगता है वह हमारी शादी के लिए राजी होंगे? होना ही पड़ेगा, अगर ना हुए तो मैं तुम्हारे पास चले आऊंगी, इतनी हिम्मत है मुझ में। चलो ठीक है, चलो। देखो, देखा, हमको देखकर वो लोग शर्मा कर भागे। शर्मा कर नहीं, घबरा कर। इस माशे को जानती हो? ये है रघु, इस गांव का मुंसिफ, अपनी पहली बीवी का खून कर चुका है और हर रोज एक नई लड़की से इश्क लड़ाता फिरता है। रघु यानी सूनन जी का बेटा? जी हाँ, आपके पिताजी का बहुत अच्छा दोस्त है। बंसीलाल जी, क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, गांव में शांति है ना। गांव में जब तक धींगा मस्ती ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, कोई मेरे पैरों में सर रगड़ के रो ना रहा तो मुझे खाना हजम नहीं होता है। ऐसे लगता है जैसे पेट में शैतान खुदकुशी कर रहा है। जी हाँ वो तो है, आपके होते हुए शांति हो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सैलाब आया है, फिर भी जमीन सूखी है। हाँ, और संसार बहालपुर के लोग हमेशा याद रहेगा। बताओ क्यों? इसलिए कि वहाँ खेती बाड़ी के लिए सरकार जो नहर बनवाने जा रही थी उसमें आधे गांव वालों की लाशें तैरती नजर आई थी। वो घटना भी इतिहास में आपकी मेहरबानियों के कारण लिखी जाएगी। दरअसल हमने ऐसे इतिहास लिखने के लिए इस दुनिया में जन्म लिया है, मगर आजकल उस इतिहास की लिखाई कुछ बंद सी होती जा रही है। आप फिक्र मत कीजिए बंसीलाल जी, ऊपर वाला कोई ना कोई मौका इतिहास लिखने का जरूर भेजेगा। कमाल हो गया बंसीलाल जी, नमस्ते। अरे रघुराव, गांव के मुंसिफ ऐसे भागते आ रहे हो जैसे पीछे शेर पड़ा हुआ है। अरे हुजूर, पीछे शेर पड़ा होता तो बहुत अच्छा होता, आपके इतिहास में एक और कहानी लिखी जाती। जानते हो मैं जो नजारा देख के आ रहा हूँ आगे फोड़ने को चीज आता है। शर्मा जी हमें बताओ, हम तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। अरे हुजूर, मैं जो नजारा देख के आ रहा हूँ ना, डूब मरने को जी चाहता है, जमीन में गड़ जाने को जी चाहता है। यार गांव के मुंसिफ हो, क्यों काले आजाम की तरह लगाए मुझे करो। बोलो क्या हुआ? अरे शर्मा जी हमने सोचा था बंसी लाल जी की बेटी शहर से डिग्री लेकर आएगी, जानते क्या लाई है? क्या 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 क्या? अपने साथ दामाद लेकर आई है। क्या बकवास करता है? अरे हजूर मैं बिल्कुल ठीक बक रहा हूँ, वो कोई गड़बड़ करके नहीं आई है, अपने साथ दामाद लाई है। रघु ज्यादा बकवास करेगा तो ट्यूबवेल के पाइप की तरह 40 फुट जमीन में गाड़ दूंगा। अरे हजूर मुझे गाड़ने से क्या दामाद नहीं कर जाएगा? तुमने खुद देखा या किसी को कहते हो सुना है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बड़े प्यार से उसके गले में बाहें डाल के सीटी बजाते हुए गाड़ी चला रहे। प्रीति। जी पिताजी। इम्तिहान कैसे हुए? अच्छे हुए। मुझे बड़ी फिक्र लगी रहती थी तेरी कि तू कब इम्तिहान देकर पास होगी, फिर मैं कब तेरा ब्याह करूंगा, तुझे तेरे घर रवाना करूंगा। फिर कोई ढंग का लड़का भी नहीं मिलता था। बड़ी तलाश के बाद एक लड़का मिला है। सूरज के बारे में तेरा क्या ख्याल है? सूरज वो तो बहुत अच्छा लड़का है पिताजी। और चालाक और होशियार भी है। होशियारी और चालाकी तो पूछे मत, कॉलेज में उसके टक्कर का कोई स्टूडेंट है ही नहीं, हर सब्जेक्ट में फर्स्ट। लेकिन एक चीज में बेचारा बिल्कुल लास्ट है, दौलत में बहुत गरीब है। तो क्या हुआ, दौलत में हम लोग फर्स्ट हैं। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बंसीलाल अपनी इकलौती बेटी के लिए कोई ढंग का लड़का भी नहीं ढूंढ सका, गरीब के गले में बांध दिया उसको। मेरा तो इतिहास ही खराब हो जाएगा। आप गलत सोच रहे पिताजी, लोग उल्टा आपकी तारीफ करेंगे कि बंसीलाल सिर्फ दौलत से ही अमीर नहीं बल्कि दिल से भी अमीर है। अपनी बेटी को एक पढ़े लिखे नौजवान के हाथ में दे दिया। वो तो ठीक कह रही है तू। ओह थैंक यू डैडी, आप कितने अच्छे हैं। सूरज तो एकदम पगला है, जब मैंने उससे कहा कि आप हम दोनों की शादी के लिए राजी हो जाएंगे वो मानता ही नहीं था। मैं अभी जाकर उसे एक खुशखबरी सुनाती हूँ और उसे कान से पकड़ के लाती हूँ। कान वान से मैं पकड़ूंगा बल्कि कान उखाड़ भी लूंगा। ये क्या है? ये मेरी और सूरज की तस्वीर है, कॉलेज के फंक्शन में खिंचवाई थी। मैं मेनका बनी थी और सूरज विश्वामित्र। सूरज बहुत अच्छा लगता है ना पिताजी? लगता है। विश्वामित्र के पास तो तपस्या का खजाना था, लेकिन ये विश्वामित्र तो भिखारियों से भी ज्यादा गरीब है। तुम्हारे जूते की कीमत एक तरफ और इसके पूरे घर की कीमत एक तरफ, और ऐसे भिखारी के घर मेरी बेटी बहू बनकर जाए कि मेरे जीते जी तो एक तरफ, मेरे मरने के बाद भी नहीं हो सकता। पिताजी ये प्यार नहीं बचपना है, बेवकूफी है, हिमाकत है, गुड्डे गुड्डियों का खेल है, और इस खेल के लिए मैं अपनी शान शौकत इज्जत मान मर्यादा को खाक में नहीं मिला सकता। मगर मैं मिला सकती हूँ। आपकी इज्जत आपका रुतबा मेरे और सूरज के बीच में आया तो मैं उसे रौंद कर सूरज के साथ चले जाऊंगी। चली जाएगी बेटी, मेरी रईसी की वजह से मेरे कई दुश्मन पैदा हो गए, इसीलिए मैंने रिवॉल्वर बंदूक हर किस्म के हथियार का लाइसेंस लेकर रख लिया है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे हथियार तुम्हारी वजह से इस्तेमाल करने पड़ जाएंगे। इसका मतलब आप सूरज की जान लेने की धमकी दे रहे हैं? ना बेटी ना, धमकी तो बुजदिल दिया करते हैं, मैं तो दिल की बात कर रहा हूँ। अब देखना तेरी शादी वाले दिन पान सुपारी की थाल में मैं तुझे सूरज का कटा हुआ सर तोहफे में दूंगा। पिताजी। हाँ बेटी क्या है, मैं जबान का पक्का हूँ, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। फिर मेरी बात भी सुन लीजिए, आप मुझे मेरी शादी के दिन सूरज का कटा हुआ सर तोहफे में देंगे और मैं उसी मन्नत में आपको अपनी लाश तोहफे में दूंगी। जब मिलाकर देख लेना किसका तोहफा ज्यादा अच्छा होगा, बाप का या बेटी का? ये मेरे खून से मेरे इतिहास लिखने के चक्कर में, अच्छा मैंने भी तेरा इतिहास न बदल दिया तो मैं भी तेरा बाप नहीं। मालिक आपने मुझे बुलाया? हाँ। क्यों यशपाल, तुम तो उधार लेकर डकार तक नहीं ले रहे हो, मेरा उधार याद है या नहीं? बिल्कुल याद है मालिक, मैं बहुत जल्द आपके 40,000 रुपए चुका दूंगा। बहुत जल्द करते बहुत देर हो गई, मगर तुम्हारा बहुत जल्द अभी तक नहीं आया। यशपाल, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा घर अभी तक सलामत है, मैंने उसे नीलाम नहीं करवाया। सब आपकी मेहरबानी है। लेकिन तुम बंसीलाल की मेहरबानियों को घर की दाल समझकर पी गए हो। हमने तुम्हें कर्जा इसलिए दिया था कि तुम्हारा दामाद कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बच जाए और तुम्हारी बेटी सदा सुहागन रहे। जी हाँ, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भुला सकूंगा। नहीं यशपाल, तुम एहसान भुला चुके हो, पर अब तुमने एहसान के बदले एहसान फरामोशी शुरू कर दी है। जी जहाँ, आज पता चला कि तुम्हारे घर में तुम्हारे खून से कैसे कीड़े ने जन्म लिया है, जो रहता तो गटर में है मगर घर महलों के छत पर बनाने की सोच रहा है। किसकी बातें कर रही हैं आप? तुम्हारा बेटा, वो मेरी बेटी की जूतियां उठाने के लायक नहीं है। हरामखोर मेरी बेटी से इश्क कर रहा है, उसे अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं मालिक? तुम जाकर अपने घटिया बेटे को सलीम और अनारकली की कहानी सुनाओ। उससे कहो कि जिस तरह अकबर बादशाह ने अनारकली को जिंदा कब्र में गड़वा दिया था, यह बंसीलाल उसको जिंदा खेत में गड़वा कर ऊपर से ट्रैक्टर फिरवा देगा, याद रखना। उससे कहो कि जिस तरह अकबर बादशाह ने अनारकली को जिंदा कब्र में गड़वा दिया था, यह बंसीलाल उसको जिंदा खेत में गड़वा कर ऊपर से ट्रैक्टर फिरवा देगा, याद रखना। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं बेटा, पैर पर पत्थर गिर गया था। पिताजी, आप सुबह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या दीदी की फिक्र लगी आपको? नहीं बेटा नहीं। तो क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? मेरी चिंता मत कीजिए पिताजी, मेरे इम्तिहान बहुत अच्छे हुए हैं और प्रिंसिपल साहब ने आशीर्वाद देकर कहा है कि सूरज, एक ना एक दिन तुम कलेक्टर जरूर बनोगे। भगवान उनके आशीर्वाद को सच साबित कर दे। पिताजी, पिताजी, बंसीलाल कुर्की लाया है, वो अपना घर और जमीन नीलाम करवा रहा है, चलो भैया। हाँ तो भाइयों, यशपाल का ये मकान बंसीलाल जी के 40,000 रुपए के कर्ज के बदले में नीलाम करवाया जा रहा है। ये सरकारी नीलाम है, गोली लगाना शुरू करते हैं। चल गोली लगाना शुरू करो। ठहरो, हमारे घर को नीलाम करने का हक किसने दिया आपको? सरकार ने, कोर्ट ने। पहले सामने खड़ा, पूछ लो उससे। ना नोटिस दिया ना खबर की, अपने पैसे और वसीले के जोर पर नीलामी के कागज लेकर पहुंच गए। नोटिस मैंने भेजी थी, तुम्हारी नजरों से नहीं गुजरी होगी। ठीक है अजय, ये रहा नोटिस। बंसी जी, आप एक बात का बदला दूसरे अंदाज से ले रहे हैं। सच बोलिए, आपने नोटिस कब दिया था? यशपाल, तुम दरअसल सठिया गए हो। गरीबी के कीड़ों ने तुम्हारी याददाश्त को चबा डाला है। मैंने तुम्हें नोटिस नहीं दिया था, और तुमने मालूम है क्या कहा था? कि मैं आपके पैसे लौटाने के लायक नहीं हूं, कुछ दिन मुझे इस मकान में रहने दीजिए। जब मेरा बेटा कॉलेज से लौट आए तो फिर मेरी जमीन, मेरा मकान नीलाम करके अपने पैसे वसूल कर लीजिएगा। कहा था या नहीं कहा था तुमने? अच्छा चलिए, मैं झूठा सही, बुढ़ापे में मेरी याददाश्त हो गई है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये नीलाम रुकवा दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। ये जमीन, ये छत छिन गई तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? पिताजी आप पूछो, मैं मुझे क्या मालूम? मुझसे पूछ कर ये बच्चे पैदा किए थे क्या? क्या कहा है? सूरज। अच्छा, जोर दिखाता है। शर्मा, रोका नीलामी। जी चलो भाई लोग, गोली लगाओ। बाबू जी रहम कीजिए, आप ये घर नीलाम नहीं कर रहे, आप मेरे बच्चों की जिंदगी नीलाम कर रहे हैं, उनका भविष्य नीलाम कर रहे हैं। इतना जुल्म मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। पिताजी उठिए, किसके आगे सर झुका रहे हैं? जो हमेशा गरीबों का सर काटता है, आप इससे रहम की भीख मांग रहे हैं, जिसकी परछाई से जहर टपकता है। आपका बेटा भी जिंदा है, अपने पिता और बहन की जिंदगी का बोझ उठाने की शक्ति मेरे बाजू में है। चलिए नीलामी शुरू कीजिए। आइए पिताजी, आओ। हम तो समझे थे कि यशपाल की जायदाद हड़पने की खुशी में हमें स्कॉच की पार्टी मिलेगी, लेकिन बंसीलाल जी तो हमें देसी मिला के डरका रहे हैं। अरे इतना ही नहीं रघु जी, सूद पे सूद मार मार के 4 के 40,000 बना लिए। हराम का माल खाकर दिमाग में हरामी कीड़े पड़ गए। साले मैं तेरा इतिहास लिखने बैठूंगा ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा, याद रखना। क्यों गीला करने की बात कर रहे हैं बंसीलाल जी? मुझे कोई इतिहास वितिहास नहीं लिखना है, लेकिन एक आइडिया मेंढक की तरह मेरे दिमाग में उछल रहा है। क्या? दुनिया के तालाब में लड़कियों को मछलियों की तरह पकड़ने में अपने रघु जी एक नंबर के चैंपियन है। सीधे बैठ। तो आइडिया ये है कि क्यों ना इस सांड को सूरज की बहन सीता के पीछे लगा दिया जाए। जिंदगी में आखिरी मर्तबा तूने अकलमंदी की बात की। आखिरी हाँ। क्या है कि विधवा है मगर जवान है, गदराया हुआ फल है जिसे कम खाया गया है। बंसीलाल जी क्यों ना इस फल को अपनी टोकरी में बांध ले। मेरी जायदाद हड़प करके अब मेरी बेटी की इज्जत लूटने का इरादा रखते हो? मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा, लेकिन ये काम हरगिज नहीं करने दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़, अरे छोड़, अरे मर जाएगा। अरे बाप रे, ये तो मर गया, सचमुच मर गया बंसीलाल। एक काम कर, सुबह इसके लाश गांव के किसी पेड़ से लटकती नजर आनी चाहिए ताकि लोग समझे से जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर लिए। चल। राम नाम सत्य है, सत्य ही सत्य है, राम नाम सत्य है। तुम्हारे बाप से मुझे 40,000 रुपए वसूल करने थे, नीलामी से सिर्फ 20,000 रुपए वसूल हुआ, बाकी के 20,000 का क्या होगा? आप इंसान हैं या वैशी? मेरे कांधे पर मेरे पिताजी की लाश रखी है और आप हिसाब मांगने आए हैं। इंसान हूँ तभी तो हिसाब मांगने आया हूँ। तुम्हारे कांधे पे तुम्हारे बाप की लाश है और तुम्हारे बाप के कांधे पे मेरे कर्जे का बोझ है। कर्जा उतार दो और आरती आगे बढ़ाओ, वरना ये लाश यहाँ से आगे नहीं जा सकती। तो ला कागज ला, मैं लिख कर देता हूँ कि कर्जा मैं अदा करूंगा। मुझे अब कागजों की लिखाई पे भरोसा नहीं रहा। तेरे बाप ने भी तो लिख के दिया था, मर गया। अब मैं क्या मुर्दे को जिंदा करके पैसे वसूल करूंगा? कर्जा चुकाओ और आरती आगे बढ़ाओ, सीधा हिसाब है। अभी इसी वक्त हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? मेरे भाई को नौकरी मिल जाएगी, हम थोड़ा थोड़ा करके आपका कर्जा उतार देंगे। नौकरी? नौकरी तो शहर करने जाएगा ना, उसके बाद तुम भी एक दिन यहाँ से खिसक जाओगी। नहीं, 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 नहीं। फिर न ये आएगा, न तुम आओगी और न बंसीलाल जी का पैसा आएगा। नहीं, एक तरीका है, जब तक तेरा भाई कर्जा नहीं चुकाता वह इस गाँव से बाहर नहीं जा सकता। अगर नौकरी नहीं करूंगा तो आपका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? वो मैं बताता हूँ, तू इसी गांव में रहेगा और मैं तुझे तेरी जमीन वापस लौटा देता हूँ। तू उस पे खेती बाड़ी करता रहे और मेरा कर्ज उतारता रहे। जब उतर जाए तो जांजी में चले जाना। क्यों शर्मा? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बंसीलाल जी, इससे बढ़िया फैसला तो कोर्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, सत्य ही सत्य है, राम नाम सत्य है। बस हो गया कलेजा ठंडा, निकल गई दिल की भड़ास। अपनी बेटी का तो कुछ न बिगाड़ सके, लेकिन सूरज का पूरा घर उछाड़ कर रख दिया, उसका मकान खेत सब नीलाम कर दिया, उसके बाप को सदमे से मार दिया। अब तो आपके दिल की छाले फूट गए होंगे। नहीं, अभी कहाँ फूटे हैं, अभी तो बहुत सारे छाले बाकी हैं। तुम देखती जाओ, दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा कि बंसीलाल से टकराने वाले का अंजाम मौत होता है। अभी तो खाली बाप मरा है, बेटा और बेटी तो बाकी है ना। वो देखो, देख रहे हैं आप हैं? कैसे ये दोनों भाई बहन जान तोड़ मेहनत करके अपना खेत जोत रहे हैं। आप तो बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि ये क्या खेती करेगा, पढ़ा लिखा है, खेती करना इसके बस की बात नहीं, ये तो बस से कहीं ज्यादा कर रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है अजय का खाक ठीक है। अगर ये यूं ही मेहनत करता रहा तो बहुत जल्द आपका कर्जा उतार देगा और आप मुंह देखते रह जाएंगे। और मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मर गया शर्मा, मर गया। चलो गला गीला करके आते हैं। गीला गला, पजामा नहीं। चलो पजामा। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, मगर आपको ये नहीं मालूम है कि वो फसल उगा के आपका कर्जा चुका देंगे। और तुझे ये नहीं मालूम कि वो फसल नहीं उगा सकेगा। कैसे मालूम? फसल उगाने के लिए बीज की जरूरत पड़ती है, मालूम है? मालूम है। वो बीज के लिए पैसा तेरा बाप देगा। सूरज, लो, इन गहनों को बेचकर तुम्हारे खेत के लिए बीज खरीद लो। तुम्हारी सारी मुसीबतों का कारण मैं हूँ। मेरी वजह से तुम्हें ये दुख सहने पड़ रहे हैं। तुमसे किसने कहा कि मैं मुसीबत में हूँ, दुखी हूँ? नहीं कहने से क्या होता है, मैं सब जानती हूँ। मेरे पिता तुमसे हमारे प्यार का बदला ले रहे हैं। लेने दो। बदला लेने का मुकाबला कैसे किया जाता मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था प्रीति। जाओ, घर वापस लौट जाओ। ये गहनों को स्वीकार कर लो, फिर चली जाऊंगी। मैं किस किस्म का इंसान हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी ये गहने लेकर तुम मेरी मदद करने आई हो। और मैं किस किस्म की लड़की हूँ ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो, फिर भी इनकार कर रहे हो। प्लीज रख लो। प्रीति, तुम इन गहनों को नहीं छोड़कर जा रही, बल्कि हमारे बीच जो संबंध है उसे तोड़कर जा रही हो। हमारा संबंध इन गहनों से बहुत कीमती है, ले जाओ इन्हें। सुहाग की आखिरी निशानी है जिसे तुम्हारे जीजा जी ने अग्नि को साक्षी रखते हुए मेरे गले में बांधा था। अब मौत तो उन्हें लेकर चली गई, साथ में मेरे मांग का सिंदूर भी मिटा गई। सिर्फ ये मंगलसूत्र छोड़ गई ताकि ये हमारी तकलीफों में काम आ सके। भैया, इसे बेच दो। अब ये मंगलसूत्र एक विधवा के किसी काम का नहीं, बेच दो भैया। अरे तुम, बाप के बंगले में मखमली कालीन पर चलने वाले पैर इस पथरीली जमीन पर क्या कर रहे हैं? क्या करे, मजबूरी है। जब भावरे को फूल से प्यार हो तो कांटों की परवाह नहीं करता। ये फूल और कांटों की कहानी तुम्हारे पिताजी को पता चल गई तो दोनों हाथों से अपना सर पीट लेंगे। अरे पीट लेने दो, दूसरों का सर पीटने वालों को कभी कभी अपना सर भी पीट लेना चाहिए। चलो मुंह खोलो। मेरे पिता ने तुम्हारे जीवन में काफी जहर घोला है, मैं उसके बदले में तुम्हारा मुंह मीठा करने आई हूँ। लो, ये खाकर चाहे उनसे नफरत ना घटाओ, मगर उनसे प्यार तो बढ़ाओ। तुम्हारे प्यार के बिना मेरी जिंदगी जहर बनकर रह गई। शर्मा, शर्मा, अरे कभी तो पूरा कर लेने दीजिए बंटी जी। ये सूरज के साथ कौन बातें कर रहा है? कहाँ? ओहो, आपके चश्मे का नंबर खराब हो गया है। अब दूरबीन लगा के देखा कीजिए। बातें कर रहा है नहीं, कर रही है। मैं। कौन कर रही है? आपकी बेटी। ये नहीं मालूम है। हाय 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 हाय, उसके हाथों की बने मिठाई की खुशबू यहाँ तक आ रही है, और वहाँ तो क्या क्या हो रहा होगा। अरे मैं उनका कलेजा चीर के सारी मिठाई अंदर से निकालूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं बंसी जी। दो जवान दिलों को न मिलने देने का मतलब है खड़ी तलवार पे बैठना। ऐसी बातों को देख के भी अनदेखी कर देनी चाहिए। क्या बकता है, मैं उनका इतिहास मिटा डालूंगा। वो अपनी जिद की छुरी से आपके इतिहास का गला काट डालेंगे। देखिए बंसी जी, आप ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे तो उनकी जिद बढ़ती जाएगी। वैसे कुछ भी कहिए, ईमान की बात तो ये है कि वो साला है मर्द बच्चा, कुछ भी कर सकता है। नहीं, देखिए पढ़ा लिखा होने पर भी हल जोत लिया। आज बीज बो रहा है, कल पौधे उगा लेगा, परसों आपका कर्जा चुका देगा, और तरसों आपकी बेटी को लेके चंपत हो जाएगा। ज़्यादा बकवास करेगा तो मैं तेरी बीवी को उठा लाऊंगा। ले जाइए, 3 साल से उसको लकवा है, वो बिस्तर में पड़ी है। अरे नहीं, कोई उसको ले नहीं जाता। आप ले जाइए, मैं भिजवा। चलो रघु से मिलकर नया शुरू करते हैं। मछली हो रही है। सीता जी नमस्ते। क्या बात है, आज आप अकेली काम कर रही हैं? आपके भाई साहब नजर क्या रहे? जो बोलिए तो। सीता जी आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं इस गांव के कानून और इंसाफ का रखवाला हूँ, इसलिए मेरा इंसाफ तो ये कहता है कि आप पर ये विधवापन अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है, इसलिए मैं ये देखिए आपके लिए सुहागन का जोड़ा लाया हूँ, इसे पहन लीजिए और मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। ओहो, अबे शर्मा के बच्चे साले, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जगह देख कर हाथ बढ़ाया कर, जिस दिन मेरा हाथ बढ़ गया तो साले गीला हो जाए। भाई साहब नमस्ते नमस्ते, आप कब आए? काफी देर हो गई। तब तो आपने मेरी सब बातें सुन ली होंगी। भाई साहब मेरी बातों को गलत मत समझना, मैं वाकई ही आपकी विधवा बहन सीता जी से शादी करना चाहता हूँ। हरामजादे, क्या बोला? तूने गांव के मुंशी को मारा, फिर मारा, मेरी बहन को साड़ी पहनाएगा? हाँ। ये बे कमीने, ये साड़ी अब मैं तुझे पहनाऊंगा। मुझे? चल उतार कपड़े। मैं कपड़े उतारूं? अबे कपड़े उतार, नहीं तो तेरी गर्दन को तेरे धड़ से उतार दूंगा। उतारता उतारता हूं, लेकिन जरा सोचो गांव वाले देखेंगे तो क्या करेंगे। अबे उतारता कपड़े के मारूं मैं। अरे उतारता हूं भैया उतारता हूं। चल जा भाई, जा उधर। आप उतार दो। अबे मुंसिफ की औलाद, इस हालत में सीधा गांव की तरफ भाग, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर देखा तो मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। चल भाग। नहीं अब अरे है? ये कौन औरत है जो साड़ी उठाकर उछल उछल कर भाग रही है? अबे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने मेरी गैर मौजूदगी में किसी औरत को बदमाशी के लिए बुला लिया है? कैसे बातें कर रहे हैं आप बंसीलाल जी, अगर बुलाऊंगा भी तो इतनी भयानक लंबी चौड़ी पहाड़ जैसी औरत को मुझे गीला थोड़ी होना है। मुझे नहीं मालूम कौन है। अरे मगर तू आ तो सही। अरे उतर कर, बकरी जैसी। मगर शरीर बहुत लाजवाब है उसका। मगर ये भाग कैसे रही है? लगता है अपने खसम को छोड़ के भाग रही है। अरे बंसीलाल जी वो आपके कैंप की तरफ ही जा रही है। तू यहाँ खड़ा रहे, मैं जरा उससे मिल के आता हूँ। नहीं बंसीलाल जी, ये पाप का काम मुझसे नहीं होगा, मैं ही उस दुखियारी का हालचाल पूछकर आता हूँ, आप यही रहिए। एक झापड़ मारूंगा तो फटे हुए पजामे की तरह हवा मुड़ जाएगा। ये पजामे की बार बार याद क्यों दिलवाते हैं आप? खड़ा रहे। अरे कर गया न गीला। देवी जी अपने माँ बाप से लड़कर आई हो या कसम से झगड़ा कर लिया है? फिक्र मत करो, तुम्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता। मैं इस गांव का बेताज बादशाह हूँ। वो इस गांव का मुंसिफ है ना रघु, अरे वो तो मेरे जूतों के तलवे चाटता है। सुनो जरा करीब आओ, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ, जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ। अरे दिखाओ ना, दिखाओ ना। तू कहीं रघु की जुड़वा बहन तो नहीं है? नहीं। फिर कौन है? मैं रघु ही हूँ। फिर ये साड़ी, कहीं गलत धंधा तो नहीं शुरू कर दिया है? अरे चुप, ये सब तुम्हारी सलाह नतीजा है। मेरी? हाँ, तुमने मुझ सांड को उस हिरनी के पास भेजा था ना, तो उसे रामजादे सूरज ने मुझ सांड को राड बुला दिया, मुझे गीला भी कर दिया है। डर गए हो? गिर गया। क्या फायदा, खेत की जमीन पर तो गिरते हो लेकिन मेरे दिल की जमीन पर कभी नहीं गिरते। हम जैसे गिरे हुए या तो ठोकर खाकर जमीन पर गिरते हैं या नजरों से गिरते हैं, दिल पर गिरने लायक नहीं है। देखो तुम ये दिल जलाने वाली बातें करके मेरे दिल मत दुखाया करो। प्रीति मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं, मेरी हर खुशी तुम्हारे पिता की नजरों में कांटे की तरह चुपती है। और मैं तुम्हें किस जुबान से समझाऊं कि मैं जिंदा सिर्फ तुम्हारे लिए हूं, अपने पिता के लिए नहीं। मेरी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। जरूर, कह के तो देखो। तो फिर जहां तुम्हारे पिता चाहते हैं वहां तुम शादी कर लो और किसी बड़े घराने की बहू बनकर आराम की जिंदगी गुजारो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अगर मुझे पता होता कि आज तुम इतने सड़े हुए मूड में हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। ठीक है, मैं जाती हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगी। दीदी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सूरज देखो, देखो दोनों साथ कैसे लड़ रहे हैं। वो लड़ नहीं रहे फिर, बल्कि तुम्हारी भाषा में यूं कहना पड़ेगा कि सड़े हुए मूड में नहीं है, तुम्हारी तरह प्रेम करने के मूड में है। नहीं प्रेमियों को जन्नत से कम। आओ जी भर के प्यार करो, कोई देखे तो देखने दो। आजा, आजा। ओ हो हो, हा हा हा। बंसीलाल, हाँ जंगली ऑफिसर, नहीं मेरा मतलब है फॉरेस्ट ऑफिसर सुदर्शन जी, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। मन्ना के यहाँ बंसीलाल ज्यादा टाइम होता नहीं है। टाइम? हाँ भाई, वो टाइम मिले तो पेड़ कटवा देता हूँ और टाइम मिले तो जंगली जानवरों को पकड़ा देता हूँ। भाई ये तो टाइम टाइम की बात है। हाँ भाई, दुनिया में दो ही तो लाल हैं, एक बंसीलाल, दूसरे सुदर्शन लाल। क्यों जी? मुझे भी। और सुदर्शन जी को खास खबर? खबर है बंसीलाल कि जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वहाँ पर सिर्फ सागवान के पेड़ लगे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके लिए टेंडर मंगवाया है। ताकि सब लोग एक काम करो, वो टेंडर भर दो, बहुत सारा फायदा होगा। समझ में नहीं आता सुदर्शन लाल जी, आपके निशानों का शुक्रिया हम कैसे अदा करें? वैसे ही जैसे हमेशा चुकता करते आयो बंसीलाल। एक तो मन्ने की ये छोटी सी जेब गर्म कर दो और दूसरा मन्ने को ताज़ा गुवाहाटी फल खिला दो, बहुत टेम हो गया है। देखिए जहाँ तक आपकी छोटी जेब का ताल्लुक है वो तो मैं गर्म कर दूंगा, फल वल खिलाना इनका काम है। नहीं प्रीति, मैं अपनी बेबसी का गला घोंट रहा था। अगर यही बहादुरी तुमने मेरे पिता के सामने दिखाई होती तो अब तक मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी होती। तुम्हारे बाप के सामने बहादुरी दिखाने के लिए मुझे हाथ में खंजर उठाना होगा, वो मैं कब का उठा चुका होता। लेकिन हर बार मेरी विधवा बहन की मजबूरी मेरा रास्ता रोक लेती है। मेरे सिवाय संसार में उसका कोई नहीं। यह ख्याल मेरे हाथ से खंजर छीनकर फेंक देता कि मेरे बाद मेरी दीदी का क्या होगा। जिस वासना भरी निगाह से लोग मेरी बहन को देखते, अगर मैं जेल चला गया तो वो उनकी वासना का शिकार बनकर रह जाएगी। अगर ऐसा है तो अकल से काम लो, अपनी मेहनत और चालाकी से उगाए हुए फल दोबारा हासिल करो। शर्मा तुम्हारे फल तोड़ के शहर के बाजार में बेचने गया है। को क्या जवाब दूंगा? फिर गीला कर गया था। कभी खो जाए। सुनिए। अरे सीता, सीता तुम्हारे खूबसूरत पैर मेरे घर की चौखट चमकाने आए हैं। आप मुझसे शादी करेंगे? शादी? सीता तुम मेरा क्यों मजाक उड़ा रही हो? क्या एक बार साड़ी पहनाने के बाद भी तुम्हारा जी? मैं सच कह रही हूँ, आप मुझसे शादी करेंगे? अरे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तो मैं खुदकुशी करने को तैयार हूँ। बोलो कब कर रही है शादी? अभी, इसी वक्त। इसी वक्त मुझे मंजूर है। देखो सीता, मैं इस गांव के कायदे कानून का इंचार्ज हूँ। शादी तो मैं आधे घंटे में कर लूंगा, लेकिन कहीं ऐन वक्त पर तुम्हारा भाई आ गया और उसने वो मंगलसूत्र मेरे गले में पहना दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, उसे मालूम भी नहीं पड़ेगा, और जब तक उसे मालूम पड़ेगा तब तक तो हमारी शादी भी हो चुकी होगी और आप मेरे पति भी बन चुके होंगे। फिर वो अपनी बहन के सुहाग पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर आओ। ए, रोको रोको रोको, अरे सूरज भैया अपनी दीदी की शादी में नहीं गए? दीदी की शादी? क्या कह रहे हैं आप? अरे सच कह रहा हूँ, वो अपना मुंसिफ रघु है ना, उसके साथ हो रही है। अब तक तो फेरे भी लग चुके होंगे और वो ससुराल भी चली गई होगी। चलो भाई, काफी रात हो गई, दूल्हे मियाँ को अंदर जाने दो, सुहाग रात मनाने दो। चलो मियाँ, दूल्हे मियाँ को अंदर। तो तुम कहाँ खड़ा हो? तुम खाली नाम के दूल्हा, काम के दूल्हा तो ये हैं, सुहाग रात इनकी मनाई जा रही है। तुम मैडम, तुम कहाँ खड़े हो रहे? मन्ना मन्ना, अंदर चलो। हाँ चलिए हजूर, हजूर अंदर जाइए और मेरी जगह पे जाकर सुहाग रात बनाइए और फिर आकर सुबह बताइए कि मजा आया कि नहीं। सुदर्शन बाबू, आप क्या हो गया? आपके दर्शन के लिए बेचैन हो रहे हैं। जरा हस्ताक्षर मार दीजिए ना, खामा का वक्त हो जाएगा तो दुल्हन आपका इंतजार करेगा। दुल्हन इधर भी कर देना। क्या हस्ताक्षर लीजिए। शुभ रात्रि। कौन है आप? आज की रात थारे का पति। क्या बकवास करते हो? अजी मन्ना, बकवास करने नहीं, थारे के साथ सुहाग रात बनाने आए। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, रघु, छोड़ दो, छोड़ दो। अपनी पत्नी को पराए मर्द के हाथ सौंपने वाले दलाल, तुम जैसे शरीर बेचने वाले को जीने का कोई हक नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक उसको उठा उठा उठा, चल फेंकते दीदी। दीदी तुमने क्या किया? मुझे माफ कर दो भैया, मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बोझ बन गई थी। नहीं, उस बोझ को हल्का करने के लिए मैंने उस पापी रघु से शादी कर ली। दीदी, उसके घर में बंदनी बन गई। दीदी, लेकिन मैं धोखा खा गई। मेरे भाई वो लोग पाप से भी ज्यादा पापी निकले। अपने वादे के लिए वो लोगों ने मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर के हवाले कर दिया। नहीं दीदी, नहीं दीदी, आज मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ जो आप लोगों में से किसी को मालूम नहीं है। आप लोगों का कलेजा फट जाएगा। आप जानते हैं कि हरामजादा खुदगर्ज है। ये अपनी विधवा सगी बहन का सौदा करना चाहता था, उसे बेचकर उसके पैसों पर ऐश करना चाहता था। कमीने रघु! बेचारी सीता रोते रोते मेरे पास आई, अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी और फिर मैं भी रो पड़ा। इसे इस पापी से बचाने के लिए मैंने इससे शादी कर ली, लेकिन इस हरामी से ये नहीं देखा गया। बड़े कुत्ते से पागल कुत्ते की तरह यहाँ पर आया और मुझे बुरी तरह मारने लगा। और फिर इस कबीले ने अपनी देवी जैसी बहन और मेरी धर्मपत्नी को जान से मारा। अरे कुत्ता, आज तो मैं मजबूर हूँ अपनी इस पापी जुबान से जी भर के झूठ उगल लो। कल को मैं इस झूठी जुबान को जड़ से उखाड़ कर निकाल दूंगा। बस रघु, बस बस, रोना बंद कर, सीने पे पत्थर रख ले। तेरा घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया दोस्त। इसका अंतिम क्रियाक्रम तो तुझे को करना पड़ेगा ना। लाओ भाई, लाओ लो। चल शर्मा जी, पुलिस को खबर कर दी? जी हाँ, कर दी। लेकिन पुलिस के आने से पहले हम इसको सजा देंगे। इसके बाल मुंडवा कर, इसका मुंह काला करके, इसको गधे पर उल्टा बैठा कर सारे गांव में फिराएंगे ताकि गांव वालों को इबरत मिले कि कोई भी आदमी अपनी बहन की इज्जत का सौदा ना करे, उसके पाक दामन को उसके खून से सुर्ख ना करे। तेजा जी हाँ, नीचे करो इसे। अब तक घमंड नहीं टूटा तेरा? जाहिर बात है बहन का सौदा करने वाला गांव के रिवाजों का क्या मान रखेगा। ठीक है, अब मैं तेरा इलाज करता हूं। और इस तरह मैं वहां से बचकर भाग निकला। उनसे बदला लेने के लिए मेरा एहसास बर्छियों की तरह सुबह शाम मेरे सीने में चुभता रहता है, किसी पल मुझे चैन नहीं लेने देता। सुनीता जी, अब आप ही बताइए, क्या मैं खूनी हूं, कातिल हूं, मुजरिम हूं, गुनहगार हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कातिल, मुजरिम, गुनहगार तो वो हैं, क्योंकि मैं उन लोगों का चित्र जानती हूँ। आप? हाँ, तुम्हारी तरह मेरे भी दिल में बदले का जहर भरा हुआ है। मैं एक अकेली औरत हूँ, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मेरा बस चलता तो मैं कब का उन तीनों को मौत के घाट उतार देती। आप कैसे जानती उन्हें? रघु की पहली पत्नी मेरी बड़ी बहन थी। दहेज में पाए हुए सारे रुपयों को अय्याशी और शराब में उड़ाकर वो मेरी दीदी से और पैसा मांगने लगा। पहले मेरी दीदी बात टालती रही, आखिर जब तंग आकर उसने साफ इनकार कर दिया तो रघु ने मेरी दीदी का खून कर दिया और बंसीलाल के साथ मिलकर यह खबर फैला दी कि उसका दिमाग ठीक नहीं था, उसने अपने आप खुदकुशी कर ली। उस दिन से मैं उन जालिमों से बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रही हूँ। आज भगवान ने आपके रूप में खुद आकर मेरे दिल में भड़कती हुई ज्वाला को ठंडी करने का रास्ता बना दिया। मेरी आज तक की जमा की हुई कमाई, मेरा इन्फ्लुएंस, मेरा वसीला, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। बस आप वहाँ जाकर उन भेड़ियों का ऐसा सबक सिखाइए कि इस इलाके के लोग रहती दुनिया तक उस सबक को याद रखें। वाह, क्या चिकन बना था भैया। हाँ, मैंने तो बहुत खा लिया, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। बाय बाय। जीजा जी की फोटो कैसे आई भैया? हाँ? तू इसको जानती है? ऑफ कोर्स, वो जो मेरी प्यारी प्यारी मीठी मीठी जो दीदी है ना, सुनीता दीदी, ये उन्हीं का मंगेतर है, उनके ही रहते हैं ये। यू मीन टू से डॉक्टर सुनीता? यस। ओह माय गॉड, चिराग तले अंधेरा। कीप क्वाइट। हेलो, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। जिस मुजरिम की हम सुबह शाम तलाश कर रहे हैं वो मेरे पड़ोस में ही छुपा बैठा है। तुम फौरन पुलिस फोर्स लेकर डॉक्टर सुनीता के मकान को चारों तरफ से घेर लो। कम ऑन फास्ट नाउ, मैं पहुंचता हूँ। सूरज, हमें अच्छी तरह मालूम है तुम इस घर में छुपे हुए हो। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। फॉलो मी। डॉक्टर सुनीता। यस। सूरज कहाँ है? सूरज तो आसमान पर है। आसमान के सूरज को तो हम जमीन पर नहीं ला सकते हैं, लेकिन जमीन के इस सूरज को आसमान तक जरूर पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर सुनीता, आप अच्छी तरह जानती हैं हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। ओह, सूरज बाबू के बारे में? वो तो चले गए हैं। आई सी। कब? सुबह 8 बजे। अच्छा ठीक है, इनके घर की तलाशी लो। चलो। एक मिनट, आपके पास तलाशी का वारंट है? देखिए देवी जी, मेरे पास सबूत भी है और वारंट भी। आप कहें तो फौरन पेश करूंगा आपको। इट्स ऑल राइट। ऊपर पलंग गिर रहा है। क्या बोल रहा है इडियट? मैं अपने 9 बच्चों के कसम खा के कहता हूँ पलंग गिर रहा है। आप खुद जाके ऊपर देख लीजिए। और चंपकलाल, तू क्यों हिल रहा है? चल साथ आ। साहब ये देखिए, पलंग गिर रहा है। चलो उठाओ। इडियट, हाथ उठाने को नहीं बोल रहा हूँ, पलंग उठाओ। हाय भैया, आप तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पहुँचने से मैं अपनी किताब लेने आई थी। ये देखो, भागो भूत आया। इसी को तो ढूंढ रही थी। मैं सच कह रही हूँ भैया। डॉक्टर सुनीता, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। सवेरे निवृत्ति हो जाती है तो बड़ा आनंद आ गया भैया। पता बंसीलाल कहाँ है? अबे मर गया, खो गया, मतलब गीला हो गया। सीधी तरह बता वरना गर्दन मरोड़ कर यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। वो तो शहर गए हैं। जाकर उन कमीनों से कह दे कि सूरज की किरणें मौत बनकर उनका पीछा कर रही हैं। अब वो अपनी जिंदगी के दिन नहीं, घड़ियां गिननी शुरू कर दें। कर गया रे। सुनीता देवी, आप एक डॉक्टर हैं, सोसाइटी में आपकी इज्जत है और आपने एक मुजरिम को, एक भागे हुए कैदी को अपने घर में पनाह दी। मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि वो मुजरिम है या भागा हुआ कैदी? यू मीन टू से आपको बिल्कुल पता नहीं था? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं उसे जानती तक नहीं। बगैर जान पहचान के आप एक गैर मर्द के साथ एक कमरे में रहीं। मेरा मतलब एक घर में रहीं। आप एक बात और भूल रहे हैं एसपी साहब, मैं सिर्फ एक कमरे में रही नहीं, बल्कि मैंने उसके बदन को छुआ भी है। एक डॉक्टर की हैसियत। डॉक्टर सुनीता, आप ये कहना चाहती हैं कि सूरज ने 2 दिन आपके घर में सिर्फ एक मरीज की हैसियत से गुजारे? एसपी साहब, हाथ में छुरा लिए एक जवान लड़की आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे? हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और गिरफ्तारी के बाद उस जवान लड़की को अपनी कैद में आप कैदी की हैसियत से रखेंगे या किसी और हैसियत से रखेंगे? डॉक्टर सुनीता, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अपना फर्ज निभाना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं भी अपना फर्ज निभाना अच्छी तरह जानती हूँ। खैर, अब कहाँ है वो? डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद से आज तक मैंने हजारों मरीजों का इलाज किया, मगर घर जाने वाले मरीजों का एड्रेस कभी नहीं पूछा। मैडम, आपको जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट बन रही है। सूरज आपके घर में 2 दिनों तक रहा और उसके बावजूद आपने उससे कोई सवाल नहीं किया। मैंने कब कहा कि मैंने कोई सवाल नहीं किए? बहुत सारे सवाल किए। तबीयत कैसी है, जख्म कैसा है, भूख लगती है कि नहीं, नींद आती है या नहीं। मैं आपसे इन डॉक्टरी सवालों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। और सवालों का जवाब चाहिए तो कोर्ट में ले चलिए, जवाब भी मिल जाएगा। और शायद शराफत पर कीचड़ उछालने के जुर्म में आप पर बेइज्जती का मुकदमा करने में भी आसानी हो। ठीक है, आप जा सकती हैं। साली साहबा, आप पुलिस स्टेशन में क्या कर रही हैं खड़े खड़े? नमस्ते एसपी साहब। बंसीलाल जी, क्या हाल है? हाल तो ठीक है, मगर आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो सूरज इसके घर में नहीं है जी। हाँ, वो पागल कुत्ते की तरह हमारे गांव में घूम रहा है। आपके गांव में? जी हुजूर, वो कमबख्त जरूर पिछले जन्म में आंधी या तूफान रहा होगा। कब आता है, कब चला जाता है, कब बर्बादी फैलाता है, कुछ समझ में नहीं आता साहब। ताज्जुब है, हमें खबर मिली है कि सूरज 2 दिनों तक डॉक्टर सुनीता के घर में था और इस बात का डॉक्टर सुनीता ने इनकार नहीं किया है। आप फिक्र मत कीजिए बंसी साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे कैसे फिक्र न करें सरकार, हमारी जान के लाले पड़े हुए। मैं तो कहता हूँ जल्दी कीजिए, नहीं तो हमारे श्राद्ध का खाना पक जाएगा और आपको भी खाने आना पड़ेगा। अरे मुंह पर काबू रख शर्मा। मर गया शर्मा। अरे हुजूर, कैसे काबू रखूं जबान पर, हमारी मौत के घोड़े बेकाबू छूटे हुए हैं। लोग बुरे वक्त में श्री गणेश को याद करते हैं, हमने एसपी श्री दिनेश को याद किया है। ये पाप की गर्मी फैलाने वाले सूरज को हथकड़ी लगाकर ठंडा कर देंगे, हमें इन पे पूरा विश्वास है। हाँ, हाँ, हम चलें जी? आप चले? हाँ जाइए। हाँ चलिए बंसीलाल जी, आइए। कौन है तुम लोग? अंदर कैसे आए? ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। डॉक्टरानी जी नमस्ते। तेरी नमस्ते को मैं गाली से भी गंदा शब्द समझती हूँ। देखो साली जी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि साली आधी घरवाली होती है। अब मैं तुम्हें खड़े खड़े पूरी घरवाली बना देता, लेकिन तुमने मुझे मौका नहीं दिया है ना। अब मैं तुम्हारे पुराने जीजा जी की हैसियत से ये पूछना चाहता हूँ कि सूरज कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। डॉक्टरानी साहिबा, आपने आज तक सिर्फ अस्पताल में औरतों के बच्चे निकाले हैं, मगर हम इतने कुत्ते के बच्चे हैं कि हमने मैदानों में, खेतों में औरतों के बच्चे निकाल के रख दिए हैं। शर्मा जी, इस डॉक्टरानी को बताना कि हम इसके सिवा और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ देवी जी, बड़े जलील हैं ये लोग। दुनिया भर के कमीने, बदमाश, लुच्चे, लपंगे, पापियों का रस निकालकर 2 आदमियों को पिला दो तो वो कैसे बन जाएंगे? ऐसे हैं ये दोनों। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो बता दो सूरज कहाँ है। मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मगर तुम्हारी जान हमें प्यारी है ना। इज्जत के साथ साथ ये सूरत इतनी बिगाड़ देंगे कि दुनिया को कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, न शरीर की और न आत्मा की। इसलिए बताओ सूरज कहाँ है। यही है। कहां? डर बनकर तुम्हारे दिलों में बैठा है। देखा कैसे झटके पे झटका मार रही है। हम कितनी गंभीरता से पूछ रहे हैं और ये कितनी छिछोरता से जवाब दे रही है, छिपकली से। मैं इसकी गंभीरता और छिछोरता अभी निकालता हूँ। ये जग्गा है, देवताओं को चैलेंज करने वाला शैतान। अगर ब्रह्मा कहे कि उसका लिखा कोई नहीं मिटा सकता, तो ये 5 मिनट में उसका लिखा मिटा देता है और जान ले लेता है। आज तक 20 खून कर चुका है और पुलिस को आज तक पता नहीं चला कि वो लाशें इंसानों की थी या कुचले हुए जानवरों की थी। मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी। देखो साली जी, मैं कितना कुत्ते का बच्चा हूँ तुम अच्छी तरह से जानती। मैंने सारे गाँव वालों को विश्वास दिलाया था कि तुम्हारी बहन ने खुदकुशी की है, लेकिन हकीकत तो ये है कि उसे जहर देकर मैंने ही मारा। मैं जानती हूँ जलील। तो फिर साली जी, इस जलील को और जलील बनने पर क्यों मजबूर करती हो? मैं तुम लोगों से बदला लेने के लिए जिंदगी का हर जहर पी जाऊंगी, हर आग पर चलने के लिए तैयार हूँ। तुमने झूठी गवाहियों से जो अपने पाप छुपाए हैं उसका भांडा जब तक मैं नहीं फोड़ूंगी, तुम्हें और तुम्हारे इस बंसीलाल को जब तक घसीट कर अदालत तक नहीं ले जाऊंगी, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुमने गरीब लड़कियों के साथ कैसे कैसे जुल्म किए, सूरज के साथ क्या ना इंसाफी की। तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, समझे? बंसीलाल जी, इसके भाषण से खाया हुआ राशन बाहर आ रहा है, इसका मुंह बंद करवाओ और जग्गा से कहकर कुछ काम करवाओ इसका। जग्गा, हाँ, ये गुड़िया तुम्हारे हवाले, जरा खेलो उससे। हाँ। छुरी तो छुरी से भी ज्यादा तेज नजर आती है। छुरी की धार देखकर भी तेरी आंखों में डर नजर नहीं आता। कोई बात नहीं, अभी आएगा। लगता है अब छुरी की धार असर कर रही है। बोल सूरज कहाँ है? बोल सूरज कहाँ है? ये क्या मुसीबत? ये क्या मुसीबत? संभालिए, ये क्या मुसीबत? कुछ गड़बड़ है। जग्गा, इसे यहाँ लो। चलो। इससे कहो कि तुम मुसीबत में हो। फौरन नेहरू पार्क के पास पुराने बंगले में पहुंचे और सुनो, और कुछ कहा तो गला काट डालूंगा। बोलो। सूरज, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम नेहरू पार्क के करीब पुराने बंगले पर फौरन चले आना। और सुनीता जी, ये सब क्या हो गया? सूरज, इन जालिमों को फांसी पर लटकाने की तमन्ना तो अधूरी रह गई, लेकिन बदकिस्मती ये कि मेरा ही खून हो गया। सुनीता जी, सूरज, तुम यहाँ से चले जाओ, फौरन चले जाओ, नहीं तो मेरा खून करके इल्जाम तुम्हारे सर में डालना चाहते हैं। नहीं सुनीता जी, देखिए उनकी चाल, पुलिस भेज दी। सूरज, मुझे फौरन पुलिस के पास ले चलो, मैं मरने से पहले अपना ध्यान देना चाहती हूँ। नहीं सुनीता जी, मैं सबसे पहले आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। नहीं, जिद मत करो, मुझे फौरन पुलिस के पास ले चलो। सुनीता जी, योर ऑनर, पूरी छानबीन के बाद यह साबित हो गया कि मुलजिम सूरज ने 1 नवंबर की रात को डॉक्टर सुनीता का खून किया। प्रोसिक्यूशन ने इस सिलसिले में गवाहों के जो बयान पेश किए हैं उनसे यह साफ जाहिर है कि मुलजिम सूरज और मरहुमा डॉक्टर सुनीता के नाजायज ताल्लुकात थे। डॉक्टर सुनीता चूंकि एक मालदार औरत थी, इसलिए मुलजिम ने उन पर एक दिन अपनी यह ख्वाहिश भी जाहिर की कि वो इसे अपनी जायदाद में बराबर का हिस्सेदार बनाएं। लेकिन योर ऑनर, जब डॉक्टर सुनीता ने इनकार किया तो मुलजिम ने उन्हें अपनी मक्कारी से नेहरू पार्क के पास पुराने बंगले में बुलवाया और तन्हाई का फायदा उठाकर उन्हें कत्ल कर दिया। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुल्जिम सूरज, तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका दिया जाता है। मुकदमे की पैरवी करने के लिए तुम्हारा कोई लॉयर है? गवाहों के बयानात और मिलने वाले सबूतों के बल पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि 1 नवंबर की रात को मुलजिम सूरज ने डॉक्टर सुनीता का खून किया। लिहाजा अदालत मुजरिम सूरज को इस जुर्म के लिए आईपीसी 302 सेक्शन के तहत सजाए मौत तजवीज करती है। बंसीलाल जी, क्या वसीला चल दिया? चल दिया। क्या वसीला चल दिया? मौत ने सूरज को गीला कर दिया। बताइए जीजा जी, आपने सुनीता दीदी का खून क्यों किया? दीदी ने तुम्हें मौत के मुंह से बचाया, दिन रात तुम्हारी सेवा की, और तुमने उनकी सेवा का ये नाम दिया? नहीं रजनी, मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है, मैं खूनी नहीं हूँ। तो खाओ मेरी कसम, तुम्हारे सर की कसम। सुनीता ने मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी। वो देवी थी, देवी ही। मैं भला उसका खून कैसे कर सकता हूँ? तो फिर तुम अदालत में क्यों खामोश रहे? जब तुम पर खून करने का इल्जाम लगा जा रहा था, तुम चुप क्यों थे? जवाब तो सूरज, क्या वजह थी? वजह जानना चाहते हो तो सुनो। उस दिन जब मेरे पिता की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली, तो उन्होंने मुझे यह कहकर खामोश कर दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरी दीदी को उन्होंने बेरहमी से मार डाला। खून से लथपथ इन्हीं हाथों में उन्होंने अपनी जान दे दी। उस वक्त मैं खूब चीखा चिल्लाया, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन मेरी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। ये अंधे और बहरों की दुनिया है प्रीति। यहाँ दौलत की पट्टी और दौलत की रुई से कानून को अंधा और बहरा बना दिया जाता है। इसीलिए मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी आवाज कानून की निगाह में एक गूंगे की पुकार होगी। ये तुम बिल्कुल गलत समझ रहे सूरज। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारे खूनी होने का सबूत बन जाएगी। तुम फांसी के तख्ते पर लटका दिए जाओगे। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी जिंदगी से एक और जिंदगी बंधी है? मेरी जिंदगी अगर तुमने रही तो मेरा क्या होगा? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हूं सूरज। तुम्हें सच बोलना ही पड़ेगा। मेरे सच और तुम्हारे आंसू जज साहब के कलम का फैसला नहीं बदल सकते प्रीति। मुझे मालूम है फैसला मेरे खिलाफ होगा। मुझे फांसी होकर रहेगी। नहीं होगी सूरज, नहीं होगी। अभी प्रीति जिंदा है, मेरे वकील सबसे बात की है। वो तुम्हारा केस लड़ेंगे, तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ जीजा जी। सुनीता दीदी और तुम्हारे क्या संबंध थे, उसकी गवाही मैं अदालत में दूंगी और कहूंगी कि तुम दोनों का कोई संबंध नहीं था, और अगर था तो सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज का संबंध था। बोलो सूरज, अब तो बोलो कि तुम अदालत में सच सच बोलोगे। तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है, अब तक तो मैं चुप था, लेकिन अब तुम दोनों के लिए बोलूंगा। सब कुछ सच सच बोलूंगा। क्या ऐसा हो सकता है अंकल? हाँ बेटी, सिर्फ पुलिस की गवाही पर ही कानून वाले फांसी की सजा दे देते हैं, और कुछ केसेस में बेनिफिट ऑफ डाउट पर रिहा भी कर दिया जाता है। सूरज के केस में कोई आई विटनेस नहीं है। उसने कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना तो कुछ कहा है और ना ही कोई वकील किया है। इसलिए मुझे यकीन है कि हमारे मुकदमे को हाई कोर्ट में जरूर दाखिल कर लिया जाएगा। सच? हाँ बेटी, लेकिन सूरज को कोर्ट में सब कुछ सच सच बताना होगा। थैंक यू वेरी मच अंकल। अब इसे आसान मत ला दो। जब मैं सूरज को रिहा करवा के तुम दोनों की शादी पर आशीर्वाद दूंगा, तब देना मुझे धन्यवाद। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। हाँ। मौली से है मुझे प्यार मुझे प्यार मुझे प्यार गोरिया नु दफा करो। सावली से है मुझे प्यार मुझे प्यार मुझे प्यार गोरिया नु दफा करो। लाखों में एक हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा। सावली से है मुझे प्यार मुझे प्यार मुझे प्यार गोरिया नु दफा करो। मेरे पड़ोस में कई लड़कियां कोई गोरी कोई काली, खुद पर दिल आया है मेरा एक तू ही दिलवाली। कोई और नहीं दरकार 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 बाकियां नु दफा करो। कोई और नहीं दरकार 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 बाकियां नु दफा करो। लाखों में एक सावली से है मुझे प्यार मुझे प्यार मुझे प्यार गोरिया नु दफा करो। दिल चंचल चंचल एक जगह न ठहरा, सावली होती है वफा की देवी दिल होता है सुनहरा। गोरियों का दिल चंचल चंचल एक जगह न ठहरा, सावली होती है वफा की देवी दिल होता है सुनहरा। साथ तेरे जब चलती हूँ मैं सखियाँ जल जाती है, मैंने तुझको कैसे फसाया पूछने सब आती है। तुझे दिलदार 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 बाकियां नु दफा करो। दुनिया तुझे दिलदार 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 बाकियां नु दफा करो। लाखों में एक सारे नु दफा करो। सावली से है मुझे प्यार मुझे प्यार मुझे प्यार गोरिया नु दफा करो। हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा। कहाँ ले जा रही हो पैसे? ये पैसे मैं वकील को देने जा रही हूँ। किस लिए? ताकि वो हाईकोर्ट में सूरज को बेगुनाह साबित करके उसे आजाद करा। मतलब मेरे पैसों से तू मेरे लिए फांसी का फंदा खरीदना चाहती है? अच्छी बात है, आज के बाद तू इस घर से बाहर नहीं जा सकेगी। मैं जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू बेवकूफ है, ये दौलत जिसे दुनिया लक्ष्मी कहती है, अगर मैं इसे लोहे की तिजोरी में कैद करके रख सकता हूँ तो तुझे इस चार दीवारी में बंद करके रखना कौन सी मुश्किल बात है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए पिताजी, कल सूरज हाईकोर्ट ले जाया जाएगा और वहां से छुटकर सीधा यहाँ आएगा, मुझे आपकी कैद से छुड़ा कर ले जाएगा और शायद आपकी ये लक्ष्मी देवी को भी साथ ले जाएगा। अरे भाई एक मुद्दत हो गई बीड़ी पिए, बहुत तलब हो रही है, बीड़ी दो ना। बीड़ी? माचिस। माचिस? हाँ। नहीं नहीं, हनुमान जी ने अपनी दुम में आग लगाकर सारी लंका जला दी थी। कहीं ये माचिस में तुम्हें दे दूं, ये वैन जलाना डालो, इसलिए मैं जलाता हूँ। सूरज भाग गया। ओ माय गॉड। ठीक है, मैं अभी आता हूं। रुकिए साहब, एक आदमी ने उसके कपड़े मुझे पहना दिए और खुद मेरे कपड़े पहनकर मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। लेकिन वो गया किस तरफ? इस तरफ गया। थक गए हो गए, चलो अब थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया सूरज। अब तुम कहां जाओगे? पुलिस हेडक्वार्टर। हाँ, मैं दिनेश जुगरान बोल रहा हूँ। सूरज कनेरी के घने जंगलों में छुप गया है। उसका पता लगाने के लिए पुलिस का डॉग स्क्वाड भेजो। पुलिस के हाथ लगने से पहले उसे हमारे हाथ लग जाना चाहिए, वरना बंसीलाल की तो बंसी बच जाएगी। अरे तय की बंसी नहीं बजेगी बंसीलाल। वो साला इस बार जंगल में छुपा हुआ है, और जंगल में कितने पेड़ है, पेड़ में कितनी टहनियां है, टहनी में कितने पत्ते हैं, वो सब मन्ने को मालूम है। अरे पेड़ पौधे टहनी में क्या करूंगा अपने? वाह भाई, सूरज चाहिए। अरे मिल जाएगा। मन ने सूरज को जंगली सूअर की तरह कैद करके ताकि मैं पहुंचा दूंगा। हेलो, मन्ना सुदर्शन लाल बोलो। मन्ना के आदमियों ने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सूरज को कहीं पता नहीं चला। मन्ना सोचो, या तो सूरज को जंगली जानवर खा गया, यहाँ से होता हुआ ताय को खाने आ रहा है। सत्यानाश, कुत्ते का बच्चा खामखा का फॉरेस्ट ऑफिसर बना फिरता है। जब आता है कुत्ते की तरह खाता है और मनुष्य का बहन सुनाता जाता है। बंसीलाल जी क्या बात है, कोई डर की खबर हो तो जरा आहिस्ता सुनाइएगा। सूरज जंगल में नहीं भाग गया, वहां से भाग गया तो फिर वो यही कहीं होगा, वो यही कहीं होगा। अबे क्यों चिल्ला रहा है? वो पर्दा हिल रहा है, लगता है पर्दे के पीछे है। आइए आइए। कहाँ है उल्लू का पट्टा गधा बेवकूफ? खुद तो डर के हमें भी डरा दिया। आपको तो सिर्फ डरा दिया, मगर मुझे इस डर ने अच्छा खासा भेगा दिया। देखिए बंसीलाल जी, इस गंदे को, बुजरी के औलाद को भगाओ यहाँ से, नहीं तो हमारा हार्ट अटैक करा देगा खड़े। अरे कोई हार्ट अटैक वार्ट अटैक नहीं होगा। वो अगर यहाँ आएगा तो मुझे मालूम है कि उसे किस तरह फंसाया जाए। अच्छा, वो कैसे? अपनी बेटी को हथियार बनाकर उसकी शादी पक्की करवाकर, और ये खबर छपा दूंगा। अरे वाह बंसीलाल जी, आपने भी क्या दिमाग पाया। खड़े खड़े नहीं समझे शर्मा जी? अरे शर्मा जी आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे के होते वो नहीं देख सकता। सूरज भी नहीं देख पाएगा, वो तड़पेगा, अंगारों पे लौटेगा और वो प्रीति की तलाश में यहाँ जरूर आएगा। जब वो यहाँ आएगा तो यहाँ से वापस नहीं जाएगा, हमारे फैलाए हुए जाल में फंस जाएगा। नमस्ते एसपी साहब। नमस्ते नमस्ते। खैरियत बंसीलाल जी? खैरियत। अब तो मैयत का टाइम आ गया है। रात भर गरम रेत पर तड़पती मछली की तरह गुजार कर आया हूँ, मगर हुआ क्या? बेचारों का नाम बंसीलाल है, बेटी मुंह काला कर गई, घर से भाग गई। शर्मा मर गया। शर्मा भाग गई नहीं, लापता हो गई है। ये लोग कहते लड़की भाग गई है, आप कहते लड़की लापता हो गई है। सच क्या? सच ये है कि मेरी बेटी लापता हो चुकी है। जी हाँ, इनकी बेटी लापता हो चुकी है। इसलिए आप वायरलेस भेजिए, टेलीविजन रेडियो पर उसके लापता होने की खबर भेजिए, अपने आदमी को भेजिए, पुलिस को भेजिए। और आप इत्मीनान रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, मुझे मेरी बेटी चाहिए। वरना वरना क्या करेगा बे? अच्छा क्या करूंगा? शर्मा जी जरा इनको बताना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मर गया शर्मा। सरकार शर्मा को बताते हुए जरा शर्म आ रही है। सड़क पर भाग्य की चिट्ठी निकालने वाले ज्योतिषी के तोते से पूछ लीजिए, वो भी बता देगा कि ये क्या कर सकते हैं। मुझे लोग एएसपी दिनेश जुगरान कहते हैं। मेरा नाम सुनकर लोगों के होशो हवास उड़ जाते हैं। तोते और ज्योतिष की बात छोड़िए, इसलिए शराफत से कह रहा हूं आप लोगों से, यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अगर पुलिस से मदद चाहिए तो मदद मांगिए, हुक्म मत कीजिए। मुझे मालूम है क्या करना और क्या नहीं करना है। And now get out all of you bloody swine. Get out! Hey, out you bastard! साला। बताओ, जवाहरलाल के देश में बंसीलाल की ये इज्जत, साला कहता गेट आउट। अरे हजूर मैं तो पहले ही कह रहा था यहाँ आने की क्या जरूरत है। अगर हमारा ये कोई काम कर सकता है ना तो वो है जग्गा। हजूर मैं अभी जाके उसे कहता हूँ, वो झट पर सारा जंगल छान मारेगा और उन दोनों को पकड़ के आपके कदमों में लाकर खड़ा कर देगा खड़े खड़े। चलो। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि सूरज और प्रीति दोनों जंगल में हैं। मुझे अभी जाके उनको बताना पड़ेगा। स्वागतम स्वागतम रघु बाबू, स्वागतम। रघु बाबू तय यहाँ मन्ने के पास क्या? मन्ने की शक्ल क्या देखे? जा, अरे मन्ने का यार है, मदिरा का बंदोबस्त का। जा 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 जा। हाँ रघु बाबू तय मन्ने को एक बात तो पता क्या? तय का शिकार गांव में खत्म हो गया था कि तय मन्ने के पास यहाँ जंगल में आया? अरे नहीं सुदर्शन बाबू, वो बात क्या है कि इस जंगल में हम एक लड़की की खातिर आ गए। ओह हमारे पास उसकी फोटो भी है। दिखा, दिखा, दिखा। देखो तुम जानते हो उसे? दिखा गई। ये तो ढेर खूबसूरत। अरे ये तो अपने बंसीलाल की छोरी लागे। अरे हाँ सुदर्शन बाबू, उसी की बेटी है प्रीति। ये घर से भाग कर उस हरामी सूरज के पीछे इस जंगल में आ गई है। भैया इसे पकड़ना जरूर है किसी हालत में भी, इसलिए मैं जग्गा और उसके साथियों को भी ले आया हूँ। सुदर्शन बाबू एक बार ये लड़की हमारे हाथ में आ गई ना तो फिर हम दोनों मजे ले लेके मिल मिल के खाएंगे इस फल को खड़े। कौन है? बाहर निकलो, चल बाहर निकलो। अरे आ तो रही हूँ, चिल्लाते क्यों? हाय। हाँ। मेरा नाम रजनी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तामल लेकर तुम्हें क्या कर रही है? सूरज चीचा जी यहीं कहीं जंगल में छुपे हुए हैं, उनकी तलाश में प्रीति दीदी भी यहीं आई हुई है, उसके पीछे मैं भी आ गई। बेचारी की हालत मुझसे देखी नहीं गई, वो जीजा जी के लिए कितना रोती थी, इसीलिए मैंने सोचा चाहे मुझे शेर खा जाए हाथी कुचल दे, मैं उन दोनों को मिलाकर ही रहूंगी। अरे ये क्या, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे नहीं रजनी, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा, और तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो, हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। आप सब मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ जरूर करेंगे, और ऐसी मदद करेंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी हमें। कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लोग? बताता हूँ। वो लोग फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में है। सूरज, हेलो सूरज। तुम यहाँ क्या आई हो? चलो मैं तुम्हें गांव के हद तक छोड़ा दूँ। नहीं सूरज, मैं नहीं जाऊंगी। अब मैं जिंदगी गुजारूंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी तो तुम्हारी बाहों में। प्रीति, मैं अब साथ गुजारने के काबिल नहीं रहा। मैं इंसान नहीं, आग बन चुका हूँ। मुझसे दूर रहो वरना तुम भी जल जाओगी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए प्लीज प्लीज सूरज, अपनी मन में सुलगती हुई आग को बुझा दो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो प्लीज। मौत से पहले मेरे पूरे परिवार को मार डाला। उनकी चिता की आग मेरे मन में जल रही है। जब तक मैं उन्हें जलाकर राख नहीं कर देता, यह आग बुझने की बजाय और भड़कती रहेगी। नहीं सूरज, नहीं, तुम्हें मेरी कसम, तुम उनसे दूर रहोगे, तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। शबीर, मेरी भी चिता जला दो, उसके बाद जो मनना है वो करना। तुम स्पेशल स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दो कि हम आज ही निकल रहे हैं। जी सर। लेकिन मैं धोखा खा गई मेरे भाई। वो लोग पाप से भी ज्यादा पापी निकले। अपने वादे के लिए वो लोग ने मुझे फॉरेस्ट ऑफिसर के हवाले कर दिया। ये रामदादा खुदगर्ज है। ये अपनी विधवा सगी बहन का सौदा करना चाहता था, उसे बेचकर उसके पैसों पर ऐश करना चाहता था। देना प्रीति, मेरा दिलो दिमाग बदले की आग में जल रहे हैं। पुलिस आ गई है, उनके साथ चली जाना, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्रीति, बस प्रीति, प्रीति। सूरज, सूरज, सूरज। सूरज हमें देखते ही भाग गया होगा, लेकिन हमें अच्छी तरह मालूम है उसे कैसे पकड़ना है। मंजूर? यस सर। इन्हें इनके घर पहुंचा दो। ओके सर। Bango, bango, bango. मारो, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो तुम मरना नहीं चाहता, जिंदा रहना चाहता है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, देखो भैया, अगर तुम्हारी मेहरबानी रही ना तो काफी साल जीऊंगा। और इन सालों में कितनी औरतों की इज्जत और जिंदगियों से खेलेगा। नहीं नहीं सूरज भैया, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मेरा यकीन करो। सूरज भैया देखो, तुम्हारी बहन की जबरदस्ती शादी करवाने वाला, उसकी बेइज्जती और मौत का जिम्मेदार वो साला बंसीलाल है। भैया मैं तो उसके हाथों में कठपुतली की तरह हूँ। जब वो चाहता है अपने पाप का धागा खींचकर मुझे नचाता रहता है। भैया मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल बेकसूर। ये बात है तो फिर तुझे छोड़ना ही होगा। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी जय हो भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो देखो, मैं इस कमान में ये तीर लगाकर तैयार रखूंगा। तुम भागना शुरू करोगे, रजनी 10 तक गिनेगी। जैसे ही गिनती पूरी होगी मैं कमान से तीर छोड़ दूंगा। अगर तुम तीर की हद से बाहर निकल गए तो बच जाओगे, वरना तीर तुम्हारी पीठ में घुसकर तुम्हारे सीने के आर पार हो जाएगा। रजनी मेरी बेटी, बेबी देखो, गिनती जरा आहिस्ता आहिस्ता गिनना। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हवाले खड़े खड़े, बचा लो रजनी मुझे। कोशिश मत करो, हैंड्स अप। राजनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ। सुनो ये एसपी साहब, और सबसे कहिए कि अपने हथियार गिरा दें फौरन, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन का गला काट दूंगा। जीजाजी ये क्या कर रहे हो? सूरज आंखें मत दिखाइए और जो मैं कहता हूँ वो कीजिए, वरना मैं इस बच्ची का खून करने से बात नहीं आऊंगा। भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भैया। डरो नहीं रजनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, प्लीज डर नहीं। भैया तुम सब हथियार फेंक दो। हाँ नीचे बैठो। एएसपी साहब अगर जरा भी हरकत की तो मैं शूट कर दूंगा। रजनी बंदूक उठाओ, गाड़ी में रखो। जल्दी करो रजनी। चलो थैंक यू रजनी, अब तुम अपने भैया के साथ घर जाओ। आप अपना ख्याल रखिएगा। आइए एसपी साहब, आपका इंतजाम तो ठीक है ना? देखिए मैं जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी करवा रहा हूँ, कहीं शादी के बीच वो सूरज मौत का गहन बनकर तो नहीं आ जाएगा ना? आप चुपचाप मेहमानों का स्वागत कीजिए। सूरज का स्वागत करने के लिए पुलिस की पूरी फौज तैयार खड़ी है। सुनो रामनगर के वासियों, एक खास ऐलान सुनो। आज इस गांव की गली गली में गोलियां चलेंगी, गोले बारूद के धमाके होंगे, सारा गांव कुरुक्षेत्र का मैदान बनने वाला है। इसलिए जिस जिसको अपनी जान प्यारी है वो फौरन गांव खाली करके चला जाए, वरना हराम की मौत मारा जाएगा। हरामजादे, उल्टा लटका कर साले इतना मारूंगा कि सीधा होने के बाद भी दुनिया तेरे को उल्टी नजर आएगी। गांव वालों को झूठ मूठ कर डरा रहा है? नहीं हुजूर, मैं झूठ मूठ थोड़ी डरा रहा हूँ। 100 रुपए की नौकरी बजा रहा हूँ। किसने 100 रुपया दिया बे? सूरज बाबू ने। सूरज? कहाँ सूरज? एसपी दिनेश साहब, मैं यहाँ हूँ। तो तुम आ गए? हाँ एसपी साहब, मुझे फांसने के लिए बंसीलाल ने यह जाल फैलाया है। मैं उस जाल का चैलेंज स्वीकार करने आया हूँ। तो क्या इस चैलेंज के लिए तुम बेगुनाहों का खून बहाकर इस बसे बसाए गांव को शमशान बनाना चाहते हो? शमशान बनाना या नहीं बनाना ये आपके हाथ में है। अगर नहीं बनाना चाहते तो इस बंसीलाल को मेरे हवाले कर दो। मैं यहाँ बेगुनाहों की जिंदगियों की हिफाजत करने आया हूँ सूरज साहब, जिंदगी का जुआ खेलने नहीं। क्या आपको गिरफ्तार करने के लिए मैं बंसीलाल को आपके हवाले कर दूं? ये जुआ तो आपको खेलना ही पड़ेगा एसपी साहब। इस जुए के बगैर कानून की हथकड़ी और सूरज के हाथों की मुलाकात हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि तुम कानून को ललकार रहे हो। कानून? कौन सा कानून जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता? वो कानून कहाँ था आपका कानून, जब गांव के इज्जतदार, गरीबों के मुहाफिज, दानवीर धर्मवीर बंसीलाल और उसके साथियों ने मेरी बहन को शिकारी कुत्तों की तरह मार डाला। मेरे बाप को यहाँ इसी गांव में मारकर बीच चौराहे पर लटकाकर ऐलान कर दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, जब डॉक्टर सुनीता ने असली मुजरिमों को पकड़वाने के लिए आपके कानून की मदद करना चाहिए तो इस जालिम ने उसे खत्म कर दिया और उसका खून मेरे नाम लिख दिया और खुद सब बचकर निकल गया। कहाँ थे आप लोग उस वक्त? अपने अंधे और बहरे कानून की तरह अपनी आंखों पर पट्टियां बांधे, अपने कानों पर रूठ होते किस कोने में छुपे होते? सूरज साहब, ये वर्दी कोई आसमान से उतरी हुई नहीं है जिसमें करिश्मे या चमत्कार के तगमे लगे हुए हैं जो घर बैठे गुनहगारों का पता बता दे। ये वर्दी भी इसी दुनिया में बनी है और इस वर्दी को पहनने वाले तमाम लोग इसी दुनिया की मिट्टी से जन्म लेने वाले इंसान हैं और इंसान गलती कर सकता है। मैं मानता हूं तुम्हारे साथ गलती हुई, ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई है। और अगर ये सच है तो मैं दिनेश चुगरान तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हथियार फेंक दो और खुद को कानून के हवाले कर दो। अरे आप क्यों खामखाए खूनी कातिल से बहस कर रहे हैं? मौका अच्छा है, पुलिस है, पुलिस चारों तरफ से गोलियां बरसा के उसके पास लगा दे। आप खामोश रहिए, चुप रहने को बोल रहे हैं। देखो सूरज, मैं तुमसे पुलिस ऑफिसर के नाते नहीं बल्कि इंसान के नाते, शराफत और भाईचारगी के रिश्ते से कह रहा हूं। एसपी साहब, मैंने अपने बाप, अपनी बहन और एक देवी समान औरत सुनीता, इन तीनों का इतना बहता हुआ खून देखा है कि उस खून के बहाव में इंसानियत, शराफत, भाईचारा सब बह गए। उनके शरीर से बहा हुआ खून मेरे दिमाग में चढ़ गया है, मेरी आंखों में उतर आया है और पिघलते हुए शीशे की तरह मुझे अंदर ही अंदर जला रहा है। जब तक मैं इस कमीने का खून न कर दूं, तब तक ये पिघलता हुआ शीशा, मेरे दिमाग, मेरी नस नस को अंदर ही अंदर जलाता रहेगा। मगर फायदा क्या होगा? तुम भी तो जिंदा नहीं बच पाओगे। तो मैं अब भी कहाँ जिंदा हूँ दिनेश बाबू? एक चलती फिरती लाश हूँ जिसके अंदर आत्मा नहीं बदले की भावना भरी हुई है। बदला ले लूंगा तो ये लाश खुद ब खुद आपके कानून के कदमों में गिर जाएगी। से घेर लो। सूरज बाहर निकलो, आखिरी बार कह रहा हूं, अगर अब भी बाहर नहीं निकले तो मजबूर होकर हमें हैंड ग्रेनेड्स की बारिश करवानी पड़ेगी। रुक जाइए प्लीज, मुझे सूरज के पास जाने दीजिए, मैं उसे समझा कर आपके पास लाती हूँ। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। आपकी भी कोई बहन होगी, क्या ये भाई अपनी बहन को दया में इतनी भीख भी नहीं दे सकता? सूरज, सूरज ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों अपनी जान की दुश्मन बन गए हो? अब इस जान से दोस्ती भी करके क्या फायदा, मौत साए की तरह मेरे साथ साथ चल रही है। मरने से पहले कुछ अधूरे वचन पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सुलगते हुए जख्मों को दुश्मनी के खून से ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर एक खून बहाने के लिए इतनी बर्बादी क्यों? क्योंकि बर्बादी के बगैर दुश्मन तक पहुँचना मुश्किल है। अगर तुम अपने बाप की फरियाद लेकर आई हो तो चली जाओ यहाँ से। क्या कहा? मैं अपने बाप की जिंदगी की फरियाद लाई हूँ? नहीं सूरज, मैं अपने प्यार की जिंदगी की फरियाद लाई हूँ, उन सपनों की फरियाद लाई हूँ जो सिर्फ तुम्हारे सहारे जिंदा है और जिनके सहारे मैं जिंदा हूँ। हाँ मेरा बाप खूनी है, कातिल है, जालिम है। अगर उसके खून से हाथ रंगे बगैर तुम्हारी दिल की आग नहीं बुझने वाली है तो एक काम करो, मुझे मार डालो, इन गोलियों से मुझे छलनी कर दो। शायद अपनी बेटी की लाश देकर, अपने जुल्म का अंजाम देकर मेरे बाप का कलेजा फट जाए और वो मर जाए। सूरज मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी लाश देखकर वो मर जाएगा? नहीं प्रीति, बिल्कुल नहीं। अरे वो इतना संगदिल और जालिम है कि अपने मतलब के लिए खुद तुम्हारी जान ले लेगा, फिर जश्न मनाएगा, दोस्तों को शराब पिलाएगा, फिर किसी मासूम गरीब लड़की की इज्जत लुटवाएगा। लीजिए एसपी साहब, मैंने अपना बदला ले लिया, अब आपका ये मुजरिम आपके सामने खड़ा है। इंडियन पिनल कोड में जितनी सजाएं हैं मेरे नाम लिख दीजिए। प्रीति, ये जन्म गरीबी से लड़ने और बदला लेने में गुजर गया, तुम्हारे प्यार का उधार बाकी रह गया, उसके लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा।